हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टू चैनल। यू आर वाचिंग GS15R। सो आज हम अपना बनाने वाले रिएक्शन वीडियो ऑन कावासकी ZX6R के ऊपर। एंड इस बाइक में आपको 636 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है, लगभग है इसकी पावर 130 bhp के आसपास। एंड इसमें आपको इनलाइन 4 सिलेंडर देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले सुनते हैं इसकी आवाज़ एंड फिर अपना रिएक्शन वीडियो बनाते हैं कि ये कौन से गियर में कितनी जाती है। सो मेरे हिसाब से ये लगभग चली जाती है 250 km/h। सो चलिए आज करो स्टार्ट। आवाज़ बहुत अच्छी है इसकी क्योंकि इनलाइन 4 सिलेंडर है। सो दैट इज़ वाई इसकी जो साउंड बहुत ही ज़्यादा है एंड मज़ा आ रहा है बिल्कुल। अभी देखते हैं फर्स्ट गियर में कितना जाती है एंड उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड गियर में कितना जाती है एंड देयर आफ्टर वी विल वॉच कि ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ गियर में कितना चली जाती है। सो ये हमारे छोबो एक्सट्रीम भाई बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं और मैंने काफ़ी यहाँ से सीखा है। सो अभी जा रही है फर्स्ट गियर में। वाओ मस्त, आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इनलाइन 4 है। सो R1 के अंदर आपको देखने को मिलता है क्रॉस प्लेन, इसमें आपको इनलाइन 4। इसके अंदर ट्रैक्शन वगैरह भी दे रखा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ब्रेकिंग आपको कितनी हार्ड चाहिए, कितनी सॉफ्ट चाहिए। सो देखते हैं कितना जाती है ये। तो इनका काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये, जिनके पास जो है मतलब सभी की सभी सुपर बाइक्स हैं। हायाबुसा, टेनआर, फर्स्ट गियर 120 km/h, अमेजिंग, सुपर। सेकंड गियर 454 km/h, तूफानी। थर्ड गियर 183, दिस इज जस्ट 600 cc कैटेगरी बाइक। हाँ, इसके अंदर 4 सिलेंडर जरूर हैं और उस हिसाब से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। नई का होगा लगभग 11-12 लाख रुपए के आसपास। इससे अच्छा है कि लोग जो है टेनआर ले सकते हैं। सो इन फोर्थ गियर वाओ 212 km/h, ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल है। एंड सबसे बड़ी बात है इसका जो वजन है बहुत ही कम है। एंड फिफ्थ गियर 230 km/h। सो मेरे हिसाब से नॉर्मली आपको चलाने के लिए इतनी स्पीड बहुत है और इससे ज़्यादा ना चलाए आप, क्योंकि इससे जो है अभी आपने देखा होगा हमारे एक भाई थे जिनके पास टेनआर थी, एक्सीडेंट हो गया। तो आपको उसको लोकल में चलाने तो 100 के आसपास सही है, जब खुला हो, हाईवे हो, उससे ज़्यादा ना चलाए, क्योंकि बाइक का मज़ा तभी है जब आप मज़ा ले रहे हो। अच्छा नहीं है कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। और सो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, जिनके पास इस तरह की बाइक है आप उसको ज़्यादा ना दौड़ाएं। ये नहीं कि पूरी आप उसकी टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। अब ये तो एक्सपर्ट हैं जिनकी ये वीडियो है और इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। स्पेशली मैं खुद ट्राई नहीं करूँगा कभी इसको जो है इतना लेके जाने का। और ये खुला रास्ता है और इन्होंने गियर्स भी पहने हुए हैं एंड इन्होंने जो इसकी जो नोएडा में ट्रैक है वहाँ पे भी चलाते हैं डुकाटी। सो अगर आप इनके चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितने जो मतलब एक्सपर्ट हैं अपने काम में। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़, आपके पास कोई भी बाइक हो, चाहे KTM हो, चाहे कावासकी हो, चाहे टेनआर हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी की बाइक हो, आप उसको कभी भी उसके फुल पोटेंशियल पे ना चलाएं। स्पेशली अगर आप लोकल एरिया में रहते हैं, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, बाइक स्लिप हो सकती है, आपको चोट लग सकती है और आपकी बाइक भी टूट सकती है। अभी सिक्स्थ गियर में चलिए 240 km/h। सो मैंने एस्टिमेट किया था 250, उस जा सकती है उससे मतलब उतना, बट सही है। हाँ, अगर इस बाइक का प्राइस होता ब्लो 10 लाख, मतलब 8 लाख के आसपास, तो मस्त बाइक होती है। बट क्योंकि ये 11-12 लाख से ज़्यादा ही आती होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मैं मान के चल रहा हूँ इतना होगा इसका प्राइस, मे बी 13 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब टेनआर आई थी अभी 2023 में जब लॉन्च हुई थी, तो उसका जो एक्स शोरूम ही 15 लाख के आसपास था। सो अगर कोई भी मतलब इतने पैसे खर्च करेगा तो वो जो है फिर 1000 cc कैटेगरी में जाएगा, वो क्यों फिर 600 लेगा। और इसी की सेम कैटेगरी की बाइक आती है एक हमारी CVR की तरफ से 650R, वो भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है। हालांकि उसके अंदर पावर कम है, बट आवाज़ में और चलने में बहुत ज़बरदस्त बाइक है।
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सी बाइक को चूज़ करेंगे 600 कैटेगरी के अंदर। आप ZX6R को लेंगे या फिर 650R को लेंगे जो कि होंडा की तरफ से आती है बिग विंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टू सी यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।